अच्छी, मेरी वीडियो का सिर्फ लाइक नहीं करता कोई। ये भाई मेरी जान है एकदम मोस्ट, विलियम राठी जी। ठीक है सागर ब्रो, ओके। सो हे गाइज, वेलकम बैक दिस अनदर ब्लॉग। तो गाइज कल का ना बहुत ज़्यादा मूड खराब हो रखा है, पता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव में कल मतलब एक्सीडेंट हो गया किसी लड़के की, मतलब हमारी एज का था। तो सच में गाइज इतना मूड खराब रखा, जब हमारी एज के कोई मतलब जाता है छोड़ के तो बड़ा दुख होता है। तो कल गाँव में पूरी मतलब शांति अशांति छाई हुई थी, मातम छाया हुआ था। तो बड़ा ही दुख की बात थी कल, बस वो लोग यार मैं मजबूरी में मेरे को डालना पड़ा था, नहीं वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था ब्लॉग डालने का, क्योंकि वो बन गया था और वो एडिट भी हो गया था, तो बस अपलोड भी कर ही दिया था मैंने टाइम से। तो गाइस अभी का प्लान पता है क्या है, कहीं जाने का मन भी नहीं था। तो अभी का प्लान ये है कि आज जाना है मेरे को सोनीपत जाना है, और किस लिए जाना है वो भाई बताएगा गाड़ी में, रास्ते में बताएगा। ठीक है गाइस, अभी का अभी तो बस मैं रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, हमारी आज की जर्नी है सोनीपत। जर्नी का मतलब पता होगा आप लोगों को, पता नहीं पता ना, तो जर्नी का मतलब होता है प्रैक्टिस। तो आज मेरी प्रैक्टिस है, ये नहीं पता किस सिंगर के साथ है, तो वहीं पर जाकर पता चलेगा, नहीं तो गाड़ी में बता दूँगा भाई के साथ। चलो भाई ने टाइम दिया था 9 बजे का, अभी ना 10 बज चुके हैं, भाई कभी टाइम से चलता नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। तो गाइस बस वेट करता हूँ। ठीक है मैं रेडी तो हो चुका हूँ, खाना पीना मैंने खा लिया, डन हूँ मैं एकदम अपनी तरफ। चलो चलते हैं गांव के अड्डे पे, भाई छोड़ के आएगा मेरे को अड्डे पे। ठीक है गांव के अड्डे पे। सो गाइस अभी ना सीएनजी भरवा रहे हैं, भाई साहब का ना मूड बड़ा खराब है, देखो पता नहीं तबीयत खराब है पता नहीं क्या, पर आज मूड खराब है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं बना रहा है। सामने देखो तबीयत डाउन लग रही है मेरे को, 2-3 दिन से लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं ना, तो इसलिए तबीयत खराब है। अभी सी एनजी पर आ गया, सीधा सोनीपत चलते हैं। और आज की जानिंग पता किसकी हमारी, आज की जानिंग हमारी है रेणु कपूर के साथ है। तो भाई से तो मैं पूछ नहीं सकता, क्योंकि मूड खराब होता है ना, तो पता क्या भाई क्या मतलब क्या क्या। ठीक है चलो सी एनजी पर चुके हैं, अभी सीधे स्टूडियो मिलते जाके। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं डीके साउंड, यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस है। शिवम भाई कैसे हो ब्रो? राइट गई सामान निकालते हैं अपना कीबोर्ड। भाई साहब कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाओ कैसे हैं? मैं एकदम कैसे हो? बढ़िया। ये भाई मेरी जान है एकदम मोस्ट, विलियम राठी जी, बहुत दिनों बाद मिले हैं। बहुत दिनों बिजी शेड्यूल में रहते हैं ये, मैं नहीं आप मतलब हाँ मैं हाँ। मैंने बहुत दिनों बाद इनके लिए टाइम निकाला है। तो गाइस बस अंदर हमारी चल रही है जैमिंग, और जैमिंग में बहुत मजा आ रहा है। अभी एक रेस्ट मिला है मैं 10-15 मिनट का। ठीक है तो वापस चलते हैं अंदर। Yeah.
फाइनली गाइस हमारा पैकअप हो चुका है और पैकअप में बहुत स्वाद हो गया क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 3:30। 12 बजे स्टार्ट किया था और 3:30 बजे तक चला हमारा शो नहीं जैमिंग। तो गाइस हमारा पैकअप हो चुका है, ठीक है। चलो भाई चलो, कल मिलते, कल का हमारा शो है। मेरी वीडियो वैसे लाइक नहीं करता कोई, क्या ये बैग लेके चल जाओ ना। चलो मैं, ठीक है सागर ब्रो, ओके। तो गाइस आपका हमारा प्लान पता क्या है? प्लान नहीं पता ब्रो, हमारा प्लान बताना है गाड़ी में बैठ के, ठीक है। गाड़ी में बैठ के बताएंगे। अरे धरने तो दो ब्रो, ब्रो धरने तो दो, कोई इसको भी धर दिया स्टैंड को। सो गाइस अभी का हमारा प्लान ये है कि भाई बताएंगे हमारे कौन जा रहे हैं। अभी तो हम जरा ठंडा लेने है ना, पहले पानी फिर ठंडा, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम करेंगे साउंड चेक। तो गाइस हमारा पता है अभी पीछे है प्रोग्राम का है हमारी चौकी, चौकी को क्या बोलते हैं बता दो। चौकी माँ भगवती की भजन कीर्तन होता है तो उस तरह है कि कुछ होता है, उस तरह का होता है चौकी बोलते हैं। तो अभी तो हम उसे ठंडा के कहते हैं, फिर वापस आते हैं चौकी को, चौकी पे फिर दिखाते हैं। सुमित भाई तो चौकी पे ही है, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं। सो गाइस मैंने लिया है थम्सअप, चलो अभी चलते हैं वहाँ पे सीधा चौकी पे। कहाँ पे गए भैया? चलो गाइस अभी चलते हैं थम्सअप, इससे ना प्यास बुझ गई। चले चलो। सो गाइस आ गया हूँ मैं जागरण में, चौकी ये ब्रो, क्या बात, डबल डबल पैसा कमा रहे हो, डबल डबल पैसा बोले थे आज ढोलक पे। पता है हमारे साथ कौन है? बहुत ही अच्छे खान साहब, हमारे बड़े भाई, दिखो एक बार। ओए ओए ना ना ना, क्यों ओए, बात बिगड़ जाएगी। सो गाइस जो मैं ये चौकी ने ये सिर्फ 11 बजे तक की है, हाँ ये ना आधी रात की होती है बस। तो बस अभी चौकी करते हैं फिर बाद में घर चलते हैं, ऐसे भूख लगी हुई है खाने की, तो देखते हैं कुछ मिलता ही नहीं। अमृत बन चुका था और विश्वास उस शबरी को भी था कि एक दिन मेरे श्री राम आएंगे और वो आए भी थे। आप कर्नाटक में जाके देखिए। प्यारी माँ गाइस अभी ना खाना खा लेते हैं, देख लो खाने में, ठीक है। खाना खा के फिर सीधा घर पे चलते हैं। सवेरे 8:30 बजे उठ जाइए, 9 बजे तक तैयार हो जाइए। ओके ब्रो, ओके बाय। तो फाइनली गाइस मैं घर पे पहुंच गया था और पता कि टाइम कितना हो चुका है, टाइम हो चुका है 10:38। तो गाइस अभी मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि कल को मेरे को जाना है बिजनौर। हाँ रेणुका ने बोला तो सुना तो होगा ना, कल मिलते हैं, तो कल मिलते हैं बिजनौर में। तो गाइस ये पांडा पांडा भी तक जा रहा है 10 बजे तक, 10 बजे तक जा रहा है। क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था, ये पढ़ रहा था। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, ब्लॉग लाइक कर देना, जो चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ लोग ये बोलते हैं गुगी गुणी फास्ट बोलते हैं तू, तो आराम से बोलूँगा। तो गाइस ब्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसा क्यों बाय कर दे, बंद कर दे कैमरा, बाय। चलो भाई चलो।